नमस्कार कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस इंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड्स लेंगे, जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगी, यानी कि यूनिवर्सिटी के यो ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल होने के कारण आप पर मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। जिस पर जितनी मैच करती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये 3 मोनोलॉजी के कार्ड्स हम लेते हैं। अपनी आँखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, 3 बार एक क्वेश्चन अपने मन से पूछिए। और इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। आंखें खोलिए और अपने जो आपने मन में सोचा है उसके रिजल्ट पाइए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन और वर्क थ्रू योर फियर्स, ए टाइम फॉर हीलिंग। तो यूनिवर्स जो आपका ये है कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको फिलहाल जो है ये समय, सबसे पहले आप एक्शन लीजिए। अगर आप ऐसे खामोश बैठे रहेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? सिर्फ सोचने से या बैठे रहने से काम नहीं बनता, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। अपना मंजिल पाने के लिए आगे बढ़िए और वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने अंदर से अपना डर बाहर निकालिए। अपने अंदर का, अपने ऊपर डर को हावी मत होने दीजिए, उसको रिलीज कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, एक्शन लीजिए और यूनिवर्स में आस्था लगाइए, हीलिंग कीजिए। अगर आप अपने आप को हील करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, यानी कि जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे आप यूनिवर्स को मानते हैं, अपने देवी देवताओं को मानते हैं, अपने पूर्वजों को मानते हैं, तो मैं हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और यूनिवर्स में यानी कि आस्था लगाइए, आपको आगे बढ़ने में कामयाबी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, खामोश बैठे रहे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी? तो पहले अपने आप को हील कीजिए, यूनिवर्स में यानी कि मेडिटेशन कीजिए और एक्शन लीजिए और अपने अंदर का डर बाहर निकालिए, जिससे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे और एक्शन लेना पड़ेगा, तभी आप अपने गोल पर पहुंचेंगे। अब देखते हैं ये सप्ताह कैसा आपका रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जी, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, दुखी हैं, आप हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, दिल और दिमाग दोनों से आप को लग रहा है आप हार्टेड हुए हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, हो सकता है लव लाइफ में आपको धोखा मिला हो, हो सकता है जॉब बिजनेस में आपको धोखा मिला हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस में, कहीं भी जहां भी आपको धोखा मिला है, अगर आप हील करेंगे अपने आप को और समय देंगे, वक्त देंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर का डर बाहर निकालेंगे, एनर्जी लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये डर, ये भय, जिससे आप हर्टेड हो चुके हैं, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल्स जी, एंजल मैसेजेस, यूनिवर्स ही आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स जी मैसेजेस दीजिए प्लीज, कि जो है कैंसर राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यूनिवर्स जी कहना चाहते हैं कि अनलाइकली अभी आपका काम नहीं बन सकता,
क्योंकि अगर आप हाथ पर धरे बैठे रहे तो कैसे काम बनेगा। यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि फिलहाल तो काम थोड़ा सा रुका हुआ है, डोंट स्टॉप, आप रुकिए मत, लेकिन उसको सोच करके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो रुकिए मत, ठहरिए मत। यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि आगे बढ़िए, हिम्मत मत हारिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके जो है आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए कि आपका मन क्या कह रहा है। आप अगर अपनी अंतरात्मा से बातें करेंगे, आप उन परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, हील करेंगे, एनर्जी डालेंगे, तो आप धीरे धीरे करके जो नेगेटिव समय है, जो नेगेटिविटी है, वो ख़त्म होगी। नेगेटिविटी को बाहर कीजिए। तो यूनिवर्स जी आपको यही कहना चाहते हैं कि आप जो है हिम्मत हार कर मत बैठिए, आप आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, अपने अपने दिल की सुनिए, दिमाग से काम मत लीजिए, दिल से भी सोचिए, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की मत सुनिए, दिल की भी सोचिए कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आप आगे बढ़िए, आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अभी समय आपका ठीक है, सही नहीं चल रहा है, अभी आप का काम नहीं, इस सप्ताह तो कम से कम नहीं बनेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो आप अपने धीरे धीरे करके प्रोग्रेस जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैसेजेस कैसे लगे। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।